तो इसके बारे में यू नो दिस इज वन थिंग एक्चुअली मैंने बहुत सारे आपकी इंटरव्यूज देखे हैं, वन थिंग विच ऑलवेज कम्स अक्रॉस कि यू हैव दिस सेंस ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड यू, एंड मैंने देखा है कि यू आर यू नो क्वाइट इंटरेस्टेड इन योगा मेडिटेशन एज वेल. ट्रू ट्रू. तो उसके बारे में आप क्या बताओगे, बिकॉज ऐसे बहुत एस्पिरेंट्स जैसे ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनका एक मेंटल कंडीशन उसको बिल्ड करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, यू नो बिकॉज अगेन दिस इज एन एग्जाम ऑफ constant perseverance and also hard, you know, continuously चलते रहता है. तो उस mind, state of mind को build करने के लिए what would you suggest? What should they do? Yes, state of mind जैसा आपने कहा equally important है. We focus on material, we focus on test, we take all the material that's there, you know, we just want to leave and just don't want to leave anything. लेकिन हम ये शायद भूल जाते हैं कि हमारा mental preparation भी equally important है. तो for a grueling exam like this, हमें mentally भी prepare होना बेहद ज़रूरी है. Exam खुद एक साल की है, प्रिलिम्स देते हैं, फिर मेंस, फिर पर्सनालिटी टेस्ट, उसके एक डेढ़ साल पहले से कर रहे हैं तो और जर्नी लंबी हो जाती है. तो उसमें हमें करने के लिए पॉजिटिविटी बेहद ज़रूरी है. तो आई स्टडीड इन भोपाल जहाँ पे आई डिसाइड, तो इट वाज गुड फॉर मी. वहाँ पे थोड़ा सा मम्मी से आई यूज टू टॉक, उनके हाथ का खाना खाती थी, पापा से बात. आई हैव अ लिटिल ब्रदर तो उससे सब मस्ती करना एंड ऑल दैट. तो दैट थिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. अपने आप को मोटिवेटेड रखना, पॉजिटिव लोगों से जुड़े रहना, वो भी बेहद ज़रूरी है. थोड़ा म्यूजिक का सहारा लिया मैंने, टू लिसन टू सॉन्ग्स दैट बूस्टेड मी अप. एंड एज यू सेड योगा, सो माई मदर ऑलवेज फोकस्ड ऑन योगा कि नहीं दिस इज़ वन थिंग यू शुड बी फोकसिंग अपॉन अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज. सो आई विल ऑल्सो से कि वट एवर यू आर डूइंग फिजिकली ऑल्सो यू हैव टू बी फिट, टेक आउट टाइम फॉर सम फिजिकल वर्कआउट. एंड जैसा मेडिटेशन पे, तो मेडिटेशन हेल्प्स यू काम योर माइंड, थोड़ा एक पीसफुल सेंस लाता है आपकी लाइफ में. तो ऐसा भी कुछ करिए, मोटिवेट खुद को रखिए और पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े रहिए. यू नो एनी बडी हु पुल्स यू डाउन, हु टेल्स यू दैट इट कांट हैपन, स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल. यू नो इट्स जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्टे अवे, बिकॉज इन दीज मोमेंट्स व्हेन यू ट्राइंग टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, आप कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, उस वक्त कम से कम उन लोगों से दूर रहें. एंड यू नो बाद में सक्सेस के आप बिल्कुल उनसे मिल सकते हैं.